हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच ऑपरेशन एंड मैट्राइसेस। देखिए, ऑपरेशन एंड मैट्राइसेस क्या होता है, इस चीज़ को हम आज आप लोगों को बताएंगे। जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स होता था, वन में वन को ऐड करते थे, टू प्लस टू करते थे, थ्री माइनस टू करते थे, तो इस तरीके से हम लोग मैट्राइसेस में भी देखेंगे कि दो मैट्राइसेस को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे उसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को यही देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट है एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। एडिशन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है, देखिए हमको सपोज दैट दो मैट्रिक्स दिया, एक ये मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें प्लस करना है। सपोज दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरीके से दे दिया, ए इक्वल टू ये। अब हमें इसको ऐड करना होता है, तो उसी तरीके से ऐड करते हैं जिस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक में करते हैं। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए वन प्लस फाइव सिक्स, वन प्लस फाइव फिर टू प्लस सिक्स फिर थ्री प्लस सेवन फिर फोर प्लस एट, ठीक है। यानी ये क्या मिला हमें, इक्वल टू वन प्लस फाइव सिक्स, सिक्स टू एट टेन ट्वेल्व, ये हमें क्या मिल गया, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। सेकेंड है इसी पे, सपोज अब हम इसका ये देख लिए कि एडिशन ऑफ मैट्राइसेस कैसे होता है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देख लें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस, यानी दो मैट्रिक्स हमको दिया रहेगा और इसको माइनस करना है। जैसे वन टू, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फाइव सिक्स सेवन एट माइनस वन टू थ्री फोर, तो इसमें भी उसी तरीके से जैसे अर्थमेटिक में करते थे वही यहाँ पे करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइव माइनस वन सिक्स माइनस टू सेवन माइनस थ्री एट माइनस फोर, अब ये क्या हो गया, ए इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर हो गया, सिक्स माइनस टू फोर हो गया, सेवन माइनस थ्री फोर हो गया, एट माइनस फोर फोर हो गया। देखिए अब ये क्या है, सब्ट्रैक्शन आ गया हमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑपरेशन एंड मैट्रिसाइसेस होता है, मतलब इसका एडिशन पे कैसे ऑपरेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन पे कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसका कुछ प्रॉपर्टीज होती है, या इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, या मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर होता है, सबसे पहले इस चीज को जानेंगे। सपोज दैट हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हो और उसमें स्केलर से मल्टीपल करना हो, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव ऐसे दे दिया है और स्केलर से मल्टीपल करना है। मान लीजिए हमें थ्री ए करना है,
थ्री ये फाइंड करना है, मतलब थ्री क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी से हमें मल्टीपल करना है। तो थ्री ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थ्री इंटू टू थ्री फोर फाइव, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो इस तरीके से हम स्केलर का मैट्रिक्स करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर हमें नेगेटिव से मल्टीपल करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए ए है, इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से देखें, टू थ्री फोर फाइव, हमें माइनस थ्री से, माइनस थ्री मल्टीपल से हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स, माइनस नाइन, ये देखिए यहाँ पे मैं गलती किया था, नाइन हो जाएगा यहाँ पे, माइनस सिक्स, माइनस नाइन, माइनस ट्वेल्व, माइनस फिफ्टीन। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस, अब निगेटिव हो जाएगा, जैसे माइनस थ्री है तो माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या मिला, सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन। इस तरीके से हमें माइनस थ्री ए की वैल्यू मिल जाती है, माइनस थ्री ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्केलर से किया था, इसको नेगेटिव स्केलर से कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मेथड देखे। अब आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे, फिर आगे और कुछ करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज, ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो फर्स्ट कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव अब ये कहता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अच्छा, इधर मैं सब्ट्रैक्शन का भी लिखता चल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन में भी। तो यहाँ पे ए माइनस बी डज नॉट बी माइनस ए, ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव को, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, अब सेकेंड देखते हैं एसोसिएटिव में, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव को भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, एक बात का और ध्यान देना रहता है हमें कि हम इसमें ऑर्डर का भी ध्यान देते हैं कि वो ऑर्डर होना चाहिए, m इंटू n ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन